मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में चल रही प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी व कॉलेज में उपस्थित ट्रेनिंग बाबू के द्वारा प्रवेश के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली को लेकर धरना प्रदर्शन किया और छात्रों से अवैध वसूली करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आज राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पर धरना प्रदर्शन किया और छात्रों से प्रवेश के नाम पर अवैध वसूली करने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक ने कहा कि राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में उपस्थित ट्रेनिंग बाबू के द्वारा प्रवेश के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली की जा रही है और छात्रों से एक प्रवेश के 10,000 मांगे जा रहे हैं, जिसको लेकर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मांग करती है। सुधांशु चहल, जिला संयोजक बिजनौर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। अच्छा, आज आईटीआई में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस मांग को लेकर, क्या होती है मांग? ये है जी, हमारी जो कॉलेज में जो एडमिशन चल रहे हैं फर्स्ट ईयर के आईटीआई में, यहाँ पहली मेरिट लग चुकी है कॉलेज में, आज दूसरी मेरिट लगी है कॉलेज की। तो कॉलेज के जो कुछ अध्यापक हैं कॉलेज की सीट बेचने का काम कर रहे हैं कॉलेज के अंदर, 10,000 रुपये बच्चों से मांग रहे हैं कॉलेज के अंदर। यहाँ बच्चे कल एडमिशन लेने के जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया अभी तक, तो बच्चे कुछ यहाँ कॉलेज अध्यापकों के पास आए थे, उन्हें 10,000 से 15,000 मांगे हैं एडमिशन के कॉलेज के अंदर, कि बोला कि आप 10,000 से 15,000 पैसे हमें दे दो, हम आपका एडमिशन करा देंगे। इस तरह की धानलेबाजी कॉलेज के अंदर विद्यार्थी परिषद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। विद्यार्थी परिषद निरंतर छात्र हित में कार्य करता है, जब तक ऐसे शिक्षक जो कॉलेज के अंदर बैठे दलाली कर रहे हैं उनको बाहर निकालना है काम विद्यार्थी परिषद करेगी, जब तक यहाँ से हम कहीं जाने वाले नहीं है, यहीं बैठे हैं। छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।